कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में हमीरपुर जिला में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी पहल करते हुए खुद को वैक्सीन के टीके लगवाए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा गत 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज में मात्र 100 के करीब ही लोगों का टीकाकरण हो सका है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए खुद आगे आकर टीकाकरण करवाया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलेज के अन्य डॉक्टरों के साथ स्वयं भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि लोगों का कोरोना वैक्सीन के प्रति भ्रम को मिटाने के लिए पहल करते हुए मेडिकल कॉलेज के 45 डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ने सूची तैयार करके दिन निर्धारित किए थे, लेकिन निर्धारित दिनों पर कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए हैं, जिसके चलते जिला सूची में रजिस्टर्ड 800 के करीब फ्रंटलाइन कर्मचारियों में से मात्र 100 के करीब ही वैक्सीनेशन हो पाई है। मेडिकल कॉलेज के MS डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि 16 जनवरी से अभियान शुरू हुआ है और भ्रम के चलते फ्रंटलाइन कर्मचारी आगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज में ही चिकित्सकों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर भ्रम को दूर करने का संदेश दिया है। कोविड वैक्सीनेशन जैसे कि पूरे भारत में 16 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था, यहाँ भी हुआ, माननीय जिलाधीश ने यहाँ पे किया था। कुछ ऐसा देखा गया है कि यह मेडिकल कॉलेज में लोगों में उत्सुकता जो है वो वैक्सीन के लिए थोड़ी सी कम है। जो भ्रम जैसे बाकी लोगों में है वो यहाँ भी लोगों में बने हुए हैं अभी भी, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों चाहे डॉक्टर्स हों, उनको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसी को लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने खुद भी पहले दिन, जैसे मैंने भी और एक डॉक्टर और है अभिलाष, उन्होंने भी, हमने पहले दिन ही 16 तारीख को ही अपनी वैक्सीनेशन कराई ताकि उनको एक रोल मॉडल के रूप में उनको दिखाएं कि देखो हम लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन सेफ़ है, इसमें कुछ इस तरह का नहीं है। और उस दिन से लेके 16 तारीख से लेके लगातार हमने कोई रेस्ट नहीं किया। 16 तारीख को भी हमने काम किया ऑफिस में, 17 को भी किया, 18 को भी किया। तो इस तरह का लोगों में भ्रम है, भ्रम की स्थिति दूर नहीं हो पा रही है, थोड़े कम आ रहे हैं लोग, अभी 100 के करीब ही हो पाए हैं लगभग यहाँ पे वैक्सीनेशन। अभी देखते हैं 28-30 को और पहली को दोबारा वैक्सीनेशन लगेगी। थोड़ा प्रॉब्लम इसमें भी था कि लिस्ट आ रही थी ऊपर से कि लिस्ट के हिसाब से लगाया जाए, अगर वॉलेंटरी लोग आ रहे हैं तो, लेकिन कई लोगों को उनका नाम नहीं है लिस्ट पे, और जिनका नाम है वो कहीं कई लोग बाहर हैं या इच्छुक नहीं हैं। तो हमने तो ये आग्रह किया था थ्रू जिला के जो यहाँ अधिकारी हैं कि जो टोटल लिस्ट है हमारी 800 के करीब लोगों की, तो जिस लिस्ट के हिसाब से जो लोग आते जाएं उनको हम वैक्सीन लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि लिस्ट के हिसाब से, तो लिस्ट के लोग कभी पूरे नहीं हो पाते और उनको टाइम पे कभी सूचना नहीं मिल पाती है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति है और थोड़ा सा डर भी है, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं वो इस वैक्सीन का यूज़ करें और अपने आप को उसके इस इन्फेक्शन से, कोविड-19 के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकें। आर के अग्निहोत्री ने कर्मचारियों से अपील की है कि कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आए और उन्होंने कहा कि सूची में निर्धारित तिथि के अनुसार ही टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग निर्धारित तिथि को शहर से बाहर थे जिस कारण उनका टीकाकरण नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार से मांग की है कि टीकाकरण अभियान में जो लोग छूट रहे हैं उन्हें 1 फरवरी के बाद फिर से एक मौका टीकाकरण लगवाने का दिया जाए। 1 तारीख तक तो सरकार का प्लान आ गया है, उसके बाद मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग बच जाएंगे। तो आग्रह ये रहेगा सरकार से, विभाग का, कि एक मॉपअप राउंड जो है इनको एक और मौका दिया जाए, जो लोग छूट गए उस तब अब लोग तैयार भी हो रहे हैं, तो 1 तारीख के बाद हम ये कोशिश करेंगे और ये मांग करेंगे कि हमें फिर मॉपअप राउंड के लिए कुछ एक वीक दिया जाए, ताकि जो लोग छूट गए वैक्सीन से, इन किसी कारण नहीं लगवा पाए हैं, जिनका ये पहले लिस्ट में नाम था, कहीं बाहर थे या नहीं लगवा पाए थे, शुरू में डर भी था, तो वो मॉपअप राउंड में जो है हम उनको वो वैक्सीन जो है लगवा सकें।